अलमकुम कुरान मजीद का बहत्तरवा शुरह है इसकी बहत्तरवीं आए थे करीमा की तिलावत का मैंने शक हासिल किया जिसका तर्जुमा यह है कि वो कहने लगी आगे गज़ब क्या मेरे यहाँ औलाद पैदा होगी इस हालत में कि मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ और ये मेरे शौर भी बहुत बूढ़े हैं बिलाशुबा ये तो बड़ी ही अजीब बात है तफीमन में अलामी साहब ने लिखा कि जब फरिस्तों ने हजरत वाहिम के अहलिया हज़रत सारा को ये खुशखबी सुनाई कि आपके यहाँ इस्लाम जैसा जलीलका बेटा पैदा होगा और आपका पोता हज़रत याक़ूब जैसा अलीशान पैगम्बर होगा तो वह हैरत के आलम में चीख पड़ी उनके मुँह से निकला हाय मेरी कम बख्ती इसका हगिर मतलब ये नहीं कि सारा सक़ीकतर इस को कम वक्ती समझती थी बल्कि इस कस्म के अल्फ़ाज़ होते हैं अक्सर सख्त ताज़ुब के मौके पर बोला करती हैं उनसे कभी लघबी मानी मवाद नहीं होते सिर्फ इजार ताज़ुब होता है और बस साफ़ी में इसायत के जहर में लिखा है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाबाक़लम से किवायत है कि जनाब रसूल खुदा सल्ह वसम ने फरमाया जिन दिनों हज़रत इबाहम के साथ ये वाक़ा हुआ उस दिन हजरत सारा की उम्र नब्बे साल और हजरत इब्राहीम की उम्र एक सौ बीस साल थी बाइबल से मालूम होता है कि उस वक्त हजरत इबाहम की उम्र सौ साल और हजरत सारा की उम्र नब्बे साल थी तफ़ी माजदी में लिखा है कि इसलिए बुढ़ापे के अतबार से बच्चा होने की खुशखबरी सुनकर उनका करना बिल्कुल क़ुदरती और फितमल था ये तफ़ी बैजाबी में लिखा है और तफ़िर मास्जिदी में ये लिखा है कि महक्की ने नतीजा निकाला कि किसी वाक़े पर इसबा में ज़ाहरी के लिहाज से ताजुब करना खुदा के कुदरत पर यकीन रखने के मुनाफी नहीं है और इसीलिए तोगात में है कि इब्राहम और सगा यानी सागा असलम बूढ़े और बहुत दिन के थे और सोगा यानी सागा असल्लम से औरतों की मामूली आदत भी मौकूफ़ हो चुकी थी तब सगा असलम ने अपने दिल में हंस कर कहा कि बाद इसके कि मैं ज़यीफ़ हो गई हूँ और मेरा ख़ाविन बूढ़ा हुआ क्या मुझको खुशी होगी ये पैदाइश में जो पैदाइश बाब है उसमें लिखा है तौरात तो में इंसान को चाहिए कि अपने औकात को तकसीम करे हज़रत रसूल खुदा सल वसम की हदीस है कि हज़रत इब्राहीम के शहीफ़ों में है कि जब तक अक्लमंद की अकल वरत पर ख्वाहिशात का गलबा नहीं होता उस पलाजिमे में कि उसके अवात चार हिस्सों में तकसीम हो नंबर एक अपने रब अज़ अजल की मुनाजात करें, नंबर दो अपनी ज़ात का मुहासबा करें नंबर तीन अल्लाह तबाक को ताला के उनसान के बारे में गौो फिक्र करें उस पर किए गए हैं नंबर चार हलाल से लजत उठाने के लिए खलबत करें क्योंकि वक्त कई हिस्सा बाकी हिस्सों के लिए मावन और मददगार साबित होता है और इससे दिलों की तफरी ही व तरतीब होती है हजर माम मुसे काजमल सलासलाम की हदीस से बिहार के जल्द अठत्तर सफ़र तीन सौ इक्कीस पर और तीन सौ छियालीस पर कोशिश करो कि तुम्हारे अवकात चार हिस्सों में तक़सीम हो। एक हिस्सा खुदा क़रीम के साथ मुनाजात के लिए एक हिस्सा माशी अमूर के लिए एक हिस्सा दोस्तों भाइयों और उन बासूख लोगों के लिए जुम्हें तुम्हारे अयूब से मुतल करें और बातनी तौर तो पर तुम्हारे लिए मखलिस हों और एक हिस्से में तुम जायज़ लजतों के लिए खलवत करो हजीर अम जाफर सालिकल्लाम के हदीस ब्याह के जिले के सफ़ाई सौ उनहत्तर पर कि हजरतमान ने अपने फर्जन को वसीयत फरमाई ए फजन तुम अपने दिन रात और ज़िंदगी की दूसरी में अपने लिए तलब इलम के लिए हिस्सा मक़र करो क्योंकि वह ज़ाय नहीं होता है जैसा कि उसे तय करने से ज़ाय हो जाता है गबाल में मौलानी की हदीस है तेरे रात और दिन तेरी तमाम हाजात पर हावी नहीं हो सकते लिहाजा तो उन्हें अपने कामों और आराम में तकसीम कर बलागा में मकतूब है मोली का जिसका नंबर है तिरपन फरमाते हैं कि अपने औकात का बेहतर व अफजल हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए खास कर दो अगरचि वह तमाम काम भी अल्लाह ही के लिए हों जब नीयत बख्या हो और उनसे गायत की खुशहाली मकसूद हो ये अमीर अलैहिस्सलाम ने मालिक अषत के नाम मकतूब लिखा था उससे इकतेमास है असलम वरम्त लाला वबरको